दोस्तों, एक्टिव एकेडमी की ऑनलाइन दुनिया में मैं अरुण शर्मा आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज का जो टॉपिक है, कल जो हमने देखा था अक्षांश और देशांतर अंतर, और हमने देखा था उसका भारत कहां पे स्थित है वो देखा था। आज उससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। जो हमारा भारत है वो भारत का डायग्राम हमारे ये भारत का मानचित्र ये है, ठीक है। हमने देखा कि भारत का उत्तरी बिंदु दक्षिणी बिंदु ये अभी आज देखने वाले हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात हमने कल क्या देखी थी कि भारत का अक्षांश विस्तार और देशांतर विस्तार देखा था। अब भारत का जो उत्तरी बिंदु है, भारत का उत्तरी बिंदु है अपना इंदिरा कौल। भारत का उत्तरी बिंदु हो गया इंदिरा कौल, और भारत का जो दक्षिणी बिंदु है दोस्तों उसे बोलते हैं कन्याकुमारी, केप केमोरियन भी बोला जाता है इसे, है ना। लेकिन इत्तेफाकन आपसे पूछ लिया जाए भारत का सुदूर दक्षिणी बिंदु, तो वो बोला जाता है इंदिरा पॉइंट। उसे क्या कहा जाता है? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट को पिगमेलियन पॉइंट या पार्सल पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। इंदिरा पॉइंट को क्या कहा जाता है? पिगमेलियन पॉइंट या पार्सल पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। तो बात क्लियर हो गई होगी, आपको समझ में आ गया होगा कि भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा है इंदिरा कौल, और दक्षिणी बिंदु क्या है कन्याकुमारी। ये मैंने यहाँ पर कौल लिखा है कि भारत का उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल है। कौल शब्द का अर्थ क्या है? तो यहाँ पर कोई टेलीफोन कॉल की तो बात हो नहीं रही है। इस कॉल वर्ड का अर्थ है दो पहाड़ियों के बीच अर्धचंद्राकार घाटी को कॉल कहा जाता है। दो पहाड़ियों के बीच अर्धचंद्राकार घाटी को क्या कहा जाता है दोस्तों? कॉल कहा जाता है। तो समझ में आ गया होगा इंदिरा कॉल क्या है। भारत का जो पश्चिमी बिंदु है वो सर क्रिक है, या तो आपको सर क्रिक मिलेगा पश्चिमी बिंदु में, या मिलेगा गौर माता, ठीक है। और पूर्वी जो बिंदु है वो है अपना वालांगू, और वालांगू यदि ऑप्शन में ना हो तो आपको मिलेगा किबीथू। क्या मिलेगा? किबीथू। तो बात समझ में आ गई होगी, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। भारत का उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल, दक्षिणी कन्याकुमारी, सुदूर दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, और इंदिरा पॉइंट को पिगमेलियन पॉइंट या पार्सल पॉइंट भी कहते हैं। भारत का जो पश्चिमी बिंदु है सरक्रिक, सरक्रिक ऑप्शन में ना हो तो फिर गौर माता मिलेगा। वालांगू पूर्वी बिंदु है या किबीथू ऑप्शन में मिलेगा। बात क्लियर हो गई। अगला है भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार, ये वाली जो लंबाई है ये कितनी है? तो देखिए, भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार है अपना 3214 किलोमीटर, अर्थात 3214 किलोमीटर भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार है। भारत उत्तर से दक्षिण दिशा में कितना फैला हुआ है? 3214 किलोमीटर फैला हुआ है। कितना फैला हुआ है? 3214 किलोमीटर फैला हुआ है। भारत का पश्चिम से पूर्व की ओर विस्तार कितना है? तो भारत का पश्चिम से पूर्व की ओर विस्तार दोस्तों होता है 2933 किलोमीटर। कितना होता है? 2933 किलोमीटर क्या होता है हमारा? पश्चिम से पूर्व की ओर विस्तार होता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, किसी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, बिल्कुल शुरू तरीके से आपको सीखना है। ये एक बार आ गया, बिल्कुल डायग्राम यदि आपको समझ में आ गया कोई दिक्कत नहीं आएगी ज्योग्राफी में। अब जरा यहाँ पर हम थोड़ा सा गौर करेंगे, हमारा उत्तर से दक्षिण विस्तार, पश्चिम से पूर्व विस्तार ये हो गया है। यहाँ पर दो चीजें हम छोटी छोटी और क्लियर करने का प्रयास करेंगे कि भारत में कुल कितने राज्य हैं। तो देखिए दोस्तों, भारत में कुल 28 राज्य हैं वर्तमान में। कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। भारत में कुल कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। पहले कितने थे? पहले 29 थे। उस एक राज्य के साथ क्या हादसा हुआ, क्या दुर्घटना हुई, वो कहां पे गया? दूसरा, वर्तमान में जो यूटी हैं, यूनियन टेरिटरी हैं, उनकी संख्या वर्तमान में 8 है। पहले कितनी थी? 9। अब एक यूटी कहां गया? पेशेंस तो है, यदि आप लोगों में पेशेंस है तो आप बिल्कुल आराम से समझेंगे। देखिए, अब धैर्य के साथ हम थोड़ा सा ध्यान देंगे कि भारत में पहले 28 राज्य थे, हमारा एक राज्य कहां गया? तो आपको ध्यान होगा 5 अगस्त
2019 को। धारा 370 हटाई गई थी मित्रों, क्या हटाई गई थी? धारा 370 हटाई गई थी 5 अगस्त 2019 को, और 31 अक्टूबर 2019 को, 31 अक्टूबर 2019 को, ध्यान दीजिएगा 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। अर्थात 31 अक्टूबर से पहले जो भारत के केंद्र शासित प्रदेश थे उनकी संख्या हमारे पास कितनी थी? 7। अब जम्मू कश्मीर राज्य के जैसे ही 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए दोस्तों, तो उसके साथ 2 केंद्र शासित प्रदेश बनते ही हमारे केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी हो जाती है? 9 हो जाती है, ठीक है। अब एक राज्य जो यूटी बना दिया गया, एक राज्य के 2 यूटी बना दिए गए, तो यूटी तो 2 घट गए, लेकिन 29 में से एक राज्य घट गया, तो राज्य हो गया 28 और हमारे केंद्र शासित प्रदेश कितने हो गए? 9। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर अभी तो आपने 8 बताए। हाँ बिल्कुल बताए हैं, हमारे 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए थे 31 अक्टूबर 2019 को। लेकिन दोस्तों एक घटना और घटित हुई, वो है 26 जनवरी 2020 को। 26 जनवरी 2020 को दमन दीव और दादर नगर हवेली को आपस में मिला दिया गया। किसको आपस में मिला दिया गया? दमन दीव और दादर नगर हवेली को आपस में मिला दिया गया, और इसी के साथ हमारे जो केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी हो गई? 8 हो गई। तो वर्तमान का जो ये फैक्ट है ये आपके सामने है कि भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है और 8 अर्थात 8 यूटी है, ठीक है। ये आज का जो छोटा सा वीडियो था आपके लिए बहुत ही गागर में सागर भरने वाला रहेगा। एक्टिव एकेडमी की पूरी टीम आपके मंगल भविष्य की कामना करती है। धन्यवाद।